गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास 7th का जीके। जीके में ध्यान दीजिए, जो टोटल लेसन है वो 50% हो गया है। हम थोड़ा धीरे धीरे शुरू में लेसन को ले चलेंगे, फिर आगे हम थोड़ी स्पीड लेंगे, ठीक है। पहले शुरू में थोड़ा सा स्लो चलेंगे हम, ओके। आज हम पहला लेसन करेंगे अमेजिंग एनिमल्स। दिस इज अ जायंट सी मैमल दैट कम्स ऑन द सरफेस ओनली टू ब्रीथ, इट इज सी काउ। ये जायंट मैमल है जो सरफेस पे आता है, सिर्फ एक बार आता है सांस लेने, कभी सांस लेने ही ऊपर आता है, नहीं तो वो जमीन के ये पानी के अंदर नीचे ही रहता है। उसको बोला जाता है सी काउ। ये एक टाइप का जानवर है जो पानी के अंदर रहता है। इट्स अ कार्निवोर विद अ फेरोशियस लुक्स, इट इज तस्मानियन डेविल। इसका जो रूप है बोलते हैं डेविल का रूप है, मतलब भूत के समान दिखता है, लोग बोलते हैं डेविल के तरफ, डरावना चेहरा है इसका, तो उसको बोलते हैं तस्मानियन डेविल। दिस फिश इज नेम आफ्टर ए गेरी कलर्ड इंसेक्ट, इट इज बटरफ्लाई। कैसी दिखती है, इंसेक्ट होती है, फिश होती है एक तरीके की, और कैसी दिखती है, गेरी कलर्ड इंसेक्ट, एक अलग तरीके की दिखती है। कभी भी इसको आप डाल के देखेंगे ना, बटरफ्लाई फिश, तो आपको उसका फेस दिख जाएगा, एक बटरफ्लाई की तरह दिखती है। इट इज अ लार्ज बटरफ्लाई विद अ स्पेशल नेम, इट इज मोनार्क बटरफ्लाई। ये अक्सर देखने मिल जाती है हमें भी, हमारे आसपास कई बार देखने मेरे को भी मिल चुकी है। ये ज्यादातर जहां घास होती है, ठंडा मौसम होता है, तब ये दिखती है। इसका नाम होता है मोनार्क बटरफ्लाई। द नेम ऑफ दिस स्वान इज आफ्टर अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स सिंगिंग रिसेंबल्स द साउंड ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज ट्रम्पेट स्वान। ट्रम्पेट स्वान क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका जो चोंच है, उसकी जो चोंच है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। स्वान आफ्टर ये जो होते हैं, उसकी चोंच जो है ट्रम्पेट की तमान होती है, और सिंगिंग रिसेंबल्स टू साउंड ऑफ, और इनकी जो साउंड होती है, उनकी साउंड जो होती है एक ये एक सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट के समान होती है, तो इसलिए उसका नाम रखा गया है ट्रम्पेट स्वान। द एनिमल प्रिटेंड्स टू बी डेड एंड व्हेन फेस्ड विद डेंजर इट इज ओपोसम। ये बर्फीली जगह में पाया जाता है, जब उसको डेंजर होता है तो वो क्या होता है, वो ऐसा प्रिटेंड करता है, मतलब ऐसा बिहेव करता है कि जैसे वो मर गया है। बियर टाइप होता है, जो छोटा पांडा बियर टाइप होता है, और मेनली ये बर्फीली जगह पे ही पाया जाता है। इसका नाम होता है ओपोसम, ओपोसम नाम करके। ओके, द लार्ज मेल पेंगुइन इट इज कॉल्ड एम्प्रॉन पेंगुइन। क्या होता है, एम्प्रॉन पेंगुइन, एम्प्रॉन मतलब किंग, राजा। इट इज लार्ज मेल पेंगुइन, पेंगुइन मतलब ये देखो बर्फीली जगह में पाई जाती है, इसको बोला जाता है एम्प्रायर पेंगुइन। ओके, दिस इज अ डबल हम्प्ड कैमल फाउंड रोमिंग इन द गोबी डेजर्ट, इट इज बैक्टीरियन कैमल। ये देखो ये बैक्टीरियन कैमल बोलता है, इनका थ्रोट जो गला होता है वो अलग तरीके का होता है, पीठ पे जैसे बाकी कैमल पे एक होता है, इसके पीठ पे दो दो ऊपर निकला हुआ होता है, इसको बोला जाता है बैक्टीरियन कैमल। ये कैमल होता है ऊंट। इट इज द नेशनल बर्ड ऑफ यूएसए, इट इज कॉल्ड बाल्ड ईगल। नेशनल बर्ड ऑफ यूएसए, राष्ट्रीय पक्षी है किसका, यूएसए का, इसको बोला जाता है बाल्ड ईगल। द मंकी इज नेम्ड आफ्टर एन इंसेक्ट एंड इट इज यूजेस नॉट ओनली इट्स हैंड बट आल्सो लेग्स एंड टेल टू क्लच ट्रीज, इट्स स्पाइडर मंकी। इसको स्पाइडर मंकी बोलते हैं, ये बड़े बड़े पेड़ों पे बड़े आराम से चढ़ जाता है और लेग्स और टेल से ट्रीज को क्लच कर देता है, खींच लेता है ट्रीज और लेग से, वो पकड़ अच्छी बना लेता है। ओके, देखिए मैक्सिमम क्या होता है कि कोई भी बंदर अपने हाथ पैर यूज करते हैं, लेकिन हाथ से चढ़ने की यूज करते हैं, लेकिन ये अपने टेल से भी चलने की यूज करता है, टेल से भी ये पकड़ बना लेता पेड़ पे, इसलिए इसका नाम है स्पाइडर मंकी। द एनिमल कैन ग्रो अ न्यू लेग इफ वन इट इज कट ऑफ, इट इज क्रैब। क्या होता है इनका, अगर क्रैब जो ये क्या बोलते हैं इनको, हम क्रैब को हिंदी में बोलते हैं, भूल गया, क्रैब होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़े थे पिछले क्लास में, केकड़ा। अगर इनकी टांग कट भी जाती तो नया पैर उगाता है। इट इज अ मैमल हैविंग बिल्ट इन लैडर एंड इट्स टेल, इट इज डोरमाउस। ये डोरमाउस होता है, घर में छोटा तरीके का चूहा होता है। इट इज द पॉइजनस लिजार्ड, इट इज जीला मॉन्स्टर। पॉइजनस लिजार्ड, लिजार्ड होता है ना घर में हमारे दिखने मिलती है लिजार्ड, उसको क्या बोलते हैं छिपकली, लेकिन जो अपने घर में होती है वो पॉइजनस नहीं होती काटने में, लेकिन ये छिपकली जो होती है ये अफ्रीकन जंगलों में पाई जाती ज्यादा। इसका नाम होता है जिला मॉन्स्टर या गीला मॉन्स्टर, कोई भी बोल सकते हैं इसको। इट इज कट्स इट कट्स इट्स लेग टू फ्री, हिंदी में और इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो जाता है। इट कट्स इट्स लेग टू फ्री इटसेल्फ फ्रॉम अ ट्रैप, इट इज फॉक्स।
ये अपना पैर खुद काट के अलग हो जाती है अगर कोई ट्रैप में फंस जाती है, तो इसको बोला जाता है फॉक्स। तो आज के लिए हम एक ही लेसन करेंगे, इनकी मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा और आप इसको इसी में वर्क करेंगे कंप्लीट अपना। ओके बेटा, बाय बाय।